दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी से बोलते हो कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो शायद ज्यादातर लोगों का यही आंसर होता है कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरे जैसे बहुत से लोग वहां पर हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तू वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इतना पैसा तू कहां से लाएगा वगैरह वगैरह। दोस्तों वीडियो मैंने मोटिवेशन तौर पे बनाई है और दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। और दोस्तों यह वीडियो रियलिटी के बेस पे बनाई है जो क्रिकेट में होता है या है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंपटीशन के ऊपर। दोस्तों कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है, शुरुआत में आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, लेकिन जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही कंपटीशन कम होते जाता है। दोस्तों जो दूसरी प्रॉब्लम है वह यह है कि क्या क्रिकेट में पैसा लगता है। दोस्तों क्रिकेट में पैसा नहीं लगता है, BCCI कभी आपसे पैसा नहीं मांगती क्रिकेट खेलने के लिए, जबकि वह उल्टा आपको क्रिकेट खेलने के लिए पैसा देती है। दोस्तों अगर कोई रिश्वत लेते हुए या देते हुए पकड़े गए तो BCCI उसी समय उनको बैन कर देती है, वह कभी फिर प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी लाइफ क्रिकेट में लगा देते हैं फिर भी वह इंडिया टीम के लिए नहीं खेल पाते हैं। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि यार अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो पैसा कहां से आएगा, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी वगैरह वगैरह। यार अगर आप इंडिया टीम तक नहीं भी पहुँच पाए और आप स्टेट लेवल तक भी पहुँच गए ना तो आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं एज के बारे में। दोस्तों यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आपकी एज 16 से 23 के बीच में है और आप सोच रहे हैं कि हमारी एज निकल चुकी है और अब हम क्रिकेटर नहीं बन सकते, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी आपके अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने अंदर से यह गलतफहमी निकालनी होगी। दोस्तों अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको लगना चाहिए कि हमारी एज निकल चुकी है। दोस्तों आप कुलवंत खजरोलिया को ही ले लो जो कि इंडिया के उभरते क्रिकेटरों में से एक हैं। दोस्तों इनके जो क्रिकेट जर्नी थी वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। यह राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे और इनका पहला सपना था वह था कि इंडियन आर्मी में जाना था, और यह सपना इनका पूरा नहीं हो पाया। फिर इनका जो दूसरा सपना था वह था इंडिया टीम के लिए खेलने का, और इनके अंदर एक जिद बैठ गई कि इंडिया टीम के लिए खेलना है। इनके पिताजी एक छोटी सी दुकान में काम किया करते थे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और जब इन्होंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तब इनकी एज 23 साल थी, और इससे पहले यह टेनिस बॉल से गांव में क्रिकेट खेला करते थे। जहां यह रहते थे वहां पर क्रिकेट को लेकर ऐसी कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी और न ही ज़िले में ऐसी कोई अच्छी क्रिकेट अकेडमी थी। फिर इनके एक दोस्त ने बोला तू दिल्ली आ जा, और यह निकल पड़े दिल्ली की ओर, और इनके घर वालों और यह अपने घर वालों से झूठ बोलकर दिल्ली आए थे। घर वालों को लगता था कि यह जॉब के लिए गया है और इन्होंने घर वालों से क्रिकेट वाली बात छुपाई रही। जब यह दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और एकेडमी में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, कोई एकेडमी इनको एडमिशन नहीं दे रही थी, इनके पास बॉलिंग करने के लिए जूते तक नहीं हुआ करते थे। आज यह कहां से कहां पहुंच गए। दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी में कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट में करियर बहुत लेट स्टार्ट किया। दोस्तों बहुत से लोग यह बोलेंगे कि वह 20 साल पहले की बात थी, अब ज़माना बदल गया है, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। दोस्तों यह कुलवंत खजरोलिया है, इन्होंने 2015 में अपना क्रिकेट में करियर स्टार्ट किया, 4 साल में सब कुछ बदल गया क्या। मेहनत करते जाओ यार, आज नहीं तो कल यह दुनिया आप पर गौर जरूर करेगी। दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप आज मानते हैं आज नहीं तो कल आप वह बन जाते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके लिए हमारी यह वीडियो हेल्पफुल रही तो यार लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आगे और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।
ताकि आने वाली वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।